टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। देखो एक पॉइंट को समझते हैं, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ अ लूप है, चाहे वो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर, कोई भी लूप है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो टॉर्क जनरेट करेगी, वो कैसे, इसको समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक ये करंट कैरिंग लूप है, सपोज करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और लेट अस सपोज इस करंट कैरिंग लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, तो ये पेन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये लूप है, पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैंने रख दिया। तो एक बात बताओ, ये लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में, ये लूप का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, जीरो, दे आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, इस लूप को मैंने थोड़ा सा इनसाइड कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप इनसाइड है थोड़ा सा, तो करंट कैरिंग लूप है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, हर वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। कैसे, मान लो इसमें करंट जा रहा है, तो ये भी इसमें, ये देखो ये डायग्राम कैसे, पहले समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड राइट है, ये लूप ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो थोड़ा अंदर की तरफ है, इधर से बाहर उठी हुई है, इधर से अंदर गई हुई है, इमेजिन कर रहे हो। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायग्राम ऐसा नहीं है, ये डायग्राम ऐसा है, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में एंगल इज थीटा, तो ये लूप कितना अंदर जा चुकी है, थीटा अंदर जा चुकी है। तो ये बताओ, इसकी जो लेंथ अगर एल है, इसकी विड्थ अगर बी है, तो ये लेंथ में करंट आए जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी, बी आई एल साइन 90, डायरेक्शन बी इधर है, करंट ऊपर है, फोर्स का लग रही है इनसाइड, बी आई एल और ये फोर्स, तो बी इधर, करंट इधर, फोर्स अंदर, तो पूरी वायर के ऊपर फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगी, बी आई एल साइन 90 इनसाइड। पहला पॉइंट क्लियर है, हालांकि मैंने ड्रॉ एक ही वेक्टर किया है, पर ये पूरे पूरी वायर के ऊपर है पहली फोर्स। अच्छा इधर देखो, इस वायर, ये जो वायर है, इसमें भी आई करंट है, इसकी लेंथ भी एल है, तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, कितना, बी आई एल साइन 90, डायरेक्शन बी इधर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां पर है, बाहर, तो बी इधर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां है, बाहर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इस पूरी वायर पे फोर्स कहां पर है, बाहर, इस पूरी वायर पे फोर्स अंदर, इस पूरी वायर पे फोर्स बाहर। चलो अभी काम करते हैं, इसकी बात करते हैं नीचे वाले वायर की, नीचे वाली वायर की लेंथ करंट के साथ जा रही है, ये रही, ये डिस्प्लेसमेंट एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, इसकी लेंथ बी है, तो इसकी लेंथ भी छोटा बी है, तो ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, बी आई, इसकी लेंथ है छोटा बी, इन टू साइन ऑफ थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल होता है, लेंथ में और बी में, एल वेक्टर और बी वेक्टर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, और डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें तो फ्लेमिंग के रूल लग गए, इसमें लग नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ में और बी में एंगल 90 नहीं है, तो कैसे है, ये देखो ये बी है इस तरफ, लेंथ कैसे है, करंट के साथ, करंट अंदर जा रहा है, देखो ये रहा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, तो एल कैसे है, करंट के साथ, करंट कहाँ है, इनसाइड जा रहा है, एल और बी कहाँ है, इधर, तो एल क्रॉस बी, थंब कहाँ रहे, नीचे, तो ये रहा एल, ये रहा बी, ये रहा लूप, तो नीचे की बात हो रही है, एल वेक्टर ये चला गया इसके साथ अंदर, बी इधर रह गया, तो थंब नीचे, तो फोर्स कहाँ आएगी, नीचे। और अगर मैं फोर्स यहाँ निकालूँ इस वायर पे, तो बी आई, लेंथ इसकी भी कितनी है, छोटा बी, बी आई छोटा बी, इन टू साइन ऑफ क्या, अब यहाँ पे करंट बी से ए जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बी से ए है, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो यहां पर लेंथ और बी में एंगल थीटा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहां और यहां का अगर एंगल थीटा है, और हमें एंगल बी का और इसका देखना है, लेंथ का देखना है, और लेंथ किसके साथ दी जाती है, करंट के साथ, तो बी का और करंट के साथ लेंथ का एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा, तो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, बी आई स्मॉल बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा।
अब डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन में ये लूप ऐसी है, देखो ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है, करंट ऊपर वाली वायर में बाहर ऐसे जा रहा है, ये देखो मेरी इधर आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, ठीक, ये क्या है, करंट आ रहा है, और ये क्या चीज़ है, ये बी वेक्टर है, तो एल क्रॉस बी करने जा रहा हूँ मैं, ये एल वेक्टर है करंट के साथ, एल वेक्टर क्रॉस बी, तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो फोर्स वेक्टर कहाँ है, ऊपर, तो दो फोर्सेस आ गई ऊपर नीचे, ये वाली फोर्स बोर्ड के अंदर, ये वाली फोर्स बोर्ड के बाहर, तो मैंने इतना ही लिखा अभी कि F1 BIL बोर्ड के अंदर और F2 BIL बोर्ड के बाहर, BIL साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा ओनली अपवर्ड्स एंड BIL साइन थीटा डाउनवर्ड्स, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल, क्योंकि अगर एक फोर्स ऊपर लग रही है एक फोर्स नीचे लग रही है तो ऊपर और नीचे की फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कैंसल, तो नेट फोर्स जीरो हो गई, ये इसको घुमा नहीं पाएंगी, पर ये वाली जो वायर है इस पे फोर्स लग रही है इनवर्ड, इस पे लग रही है आउटवर्ड, तो लूप ऐसे घूमेगा घूमेगा घूम जाएगा, क्योंकि इधर ऐसे खींच रहे हो और इधर की फोर्स इनसाइड है, इधर की फोर्स आउटसाइड है, तो ये टॉर्क जनरेट करेगा और वही मुझे निकालना है, तो बेसिकली ये कपल हो गया, ये कपल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो कैसे यहां पे कपल कौन जनरेट कर रहा है, एफ1 और एफ2, तो मुझे कपल की वजह से टॉर्क कैसे निकालना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, तो एक बात बताओ, अगर ये एफ1 लग रहा है यहां पे और उसी तरीके से यहां पे लगा लो चाहे एफ2 एफ3 चलो ये देखो, तो एक फोर्स बाहर लग रही है एक अंदर लग रही है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, तो ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो कोई फर्क नहीं है, तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है इसमें, ये इमेजिनरी है, एक राइट एंगल बना लिया यहाँ पे, ये लेंथ छोटा भी है, ये थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, बस इतना पोर्शन, बस इतना सा पोर्शन अलग से नीचे ड्रॉ कर लिया, देखो ये देखो नीचे का डायग्राम देख रहे हो, है तो ये पूरी की पूरी लूप है, है तो लूप, पर मैंने सिर्फ ये पोर्शन पे डायग्राम ड्रॉ किया, तो इस पोर्शन में ये बताओ कि ये लेंथ कितनी है, छोटा बी है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन बी, तो दिस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो इन दो फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, बी कॉस थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी बी आई एल फोर्स, एफ वन और एफ थ्री की फोर्स बी आई एल है, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, बी कॉस थीटा, तो ये आपके पास टॉर्क आ गया, और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, बी आई ए कॉस थीटा, इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स वन लिए हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होते तो टॉर्क एन टाइम्स हो जाता, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, इस टॉर्क के एक्सप्रेशन में एंगल क्या चीज है, एंगल है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है, तो अगर मैंने लूप को अंदर की तरफ एंटर करवाया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो थीटा एंगल ये एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप, तो लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड में और लूप के बीच में, तो ये देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लूप इस तरफ है, दोनों एक तरफ है, तो एंगल इनके बीच में कितना है, जीरो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लूप ऐसे ही है, तो एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 90, क्लियर है यहां तक, 90, कोई डाउट इसमें, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कहा ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लूप और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, जीरो, जीरो, इस लूप के परपेंडिकुलर, इस लूप के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ये रहा, तो लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा, लूप के परपेंडिकुलर, तो अगर मैं ये पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम डायरेक्शन में जीरो एंगल, तो ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है यहां पर इस केस में, 90, मैं ये कह रहा हूं ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये लूप का एरिया वेक्टर है, तो मेरा मेरे दो क्वेश्चन है,
मैग्नेटिक फील्ड ने लूप के साथ क्या एंगल बनाया? जीरो। एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाया? 90। सही है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो लूप के परपेंडिकुलर है और लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, तो एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 बनेगा। अच्छा, मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से इधर देखो, ये लो मैग्नेटिक फील्ड अब इधर है, लूप इधर है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप में एंगल है 30, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल क्या होगा? 60। वो क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर तो लूप के साथ हमेशा एंगल क्या बनाएगा? वो तो इस बुक के साथ एंगल 90 बनाएगा। तो अगर आपने बी इधर ले लिया, टोटल एंगल तो बुक और इस पेन का 90 है, तो अगर आपने बीच में मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप में अगर एंगल 30 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 60। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर लूप और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 माइनस थीटा है? कोई डाउट इसमें? या ऐसा बोल सकता हूँ कि लूप और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल थीटा है और मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा का सम क्या होगा? 90। दोनों का एंगल का सम 90। तो यही कर रहा हूँ मैं इसमें। ये पर एरिया वेक्टर है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो, लूप का एक ही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू दी लूप या एरिया वेक्टर एक ही बात होती है। तो ये एरिया वेक्टर है, लूप के साथ एंगल क्या बनाता है? 90। तो लूप ने बी के साथ अगर एंगल थीटा बनाया, तो बी ने इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो अल्फा प्लस थीटा क्या होगा? 90। तो थीटा क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। आप इस टॉर्क में थीटा की जगह रिप्लेस करें इसमें कितना? 90 माइनस अल्फा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला क्या आया? एन बी आई ए कॉस थीटा। दूसरा क्या आया? एन बी आई ए साइन अल्फा। अब कैसे यूज करना है? कई लोग कहते हैं अगर थीटा गिवन होगा तो कॉस यूज कर लेंगे, अल्फा गिवन होगा तो साइन यूज कर लेंगे। भाई जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं देखे थोड़ा आएगा ये अल्फा ये थीटा, बोलेगा ही नहीं अल्फा थीटा, बोलेगा 30 डिग्री एंगल है। अब 30 डिग्री देके कैसे पता करोगे अल्फा कौन थीटा कौन? तो आपको ऐसे नहीं याद करना, आपको ऐसे याद करना है, अगर आपको एंगल लूप में और बी में गिवन है फिर तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको एंगल एरिया वेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड बी में गिवन है फिर फॉर्मूला साइन का लगेगा, ऐसे याद करना है। तो इसके अंदर टॉर्क का फॉर्मूला जैसे हमने निकाला एन बी आई ए साइन अल्फा, हम ना अगले चैप्टर में करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। अभी एक स्टेप याद करो कि एन इंटू करंट इंटू एरिया को कैपिटल एम लिखते हैं, और कैपिटल एम का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ लूप। तो आप यहाँ एन आई ए की जगह एम पुट कर दें, एम इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, और ये भी एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या आएगा? एम क्रॉस बी आएगा। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। कोई डाउट इसमें? तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वैसे तो यही काम आता है पर ये भी कभी कभी काम आ जाता है। तो इसमें टॉर्क का फॉर्मूला या तो कॉस में या तो साइन में। इमेजिन करो कि अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लूप भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो लूप में और फील्ड में एंगल क्या होगा? जीरो। तो आप जब टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये फॉर्मूला ना यूज करते हुए ये यूज करना चाहता है, तो अगर लूप में और बी में एंगल जीरो है, तो लूप के एरिया वेक्टर एंड बी में एंगल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 90। तो यहां 90 पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे वो करो। क्लियर है यहां तक? क्यों? क्योंकि थीटा प्लस अल्फा क्या है? 90। अगर थीटा जीरो है तो अल्फा ऑटोमेटिकली कितना है? 90। जैसे अगर लूप एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो यानी कि थीटा क्या है? 90, तो अल्फा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? जीरो। तो कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपका लूप एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो कैसे है? ऐसे है, और आपका लूप ऐसे है, तो उसमें टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क उसमें क्या लगेगा? जीरो लगेगा। क्लियर है? और अगर आपका लूप और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो टॉर्क उसमें क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। क्लियर है यहां तक? टॉर्क इसमें मैक्सिमम लगेगा।
मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल ऑफ अफेक्टिव एरिया, तो एरिया आपको गिवन है और कौन सा टॉर्क दे रहे हैं आपको, मैक्सिमम टॉर्क, और कितना, इतना करंट पता है, बी निकालो। देखो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने सीखा एन बी आई ए, क्योंकि कॉस या साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टॉर्क पता है मुझे, बी मुझे निकालना है, एन इसमें वन गिवन है, ए की लूप है, करंट और एरिया पता है, यहाँ से बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक,